आइए एक रागनी वहां से कि जब शहीद बदन सिंह जी को गोली लग जाती है और अपने दोस्तों से न्यू कहने लगे कि अब मेरी बचने की आस नहीं है, जो मैं बोलूं वो इस चिट्ठी के अंदर लिखते जाओ यार। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरी पत्नी सुनीता मेरी बाट देखती होगी, लेकिन चिट्ठी के अंदर क्या क्या लिखना है आइए सुनते हैं कवि ने कैसे क्या लिखा है। कहा कि समन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं। शहीद बदन सिंह जी को गोली लगी हुई है, लहू लुहान हुए हुए हैं, लेकिन ये कह दिया अपने दोस्तों से कि समन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं। सच बुझो तो मेरे यारो, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। लहू लुहान हुए पड़े हुए हैं धरन पे, लेकिन उदासी चेहरे पर बिल्कुल नहीं है बदन सिंह जी के। आइए कैसे क्या कहते हैं अपने दोस्तों से। हेरे लहू लुहान पड़ा धरनी पे, लेकिन जरा उदास नहीं। हंस के बोलिया सुनो दोस्तों अब बचने की आस नहीं। आंखों में आंसू आ गए कि हमारा साथ हमें हमारा दोस्त हमें छोड़ कर ना चले जाए, लेकिन बदन सिंह जी का वो हौसला था, ये कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ की आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। अरे आज मैं माँ भारती के लिए जान देकर जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी जान की भी जरूरत पड़े तो हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बान हो जाना। क्या समझाते हैं अपने दोस्तों को। हेरे भीड़ करो ना मेरे पास में, भीड़ करो ना मेरे पास में, गम की गोली खा लो। एक सिपाही मेरे बदन की भर के कोड़ी ठा लो। आगे बढ़ो मोर्चा खाली, चौकी मेरी संभालो। बाकी यही रहो सीमा पे, लंबी लाइन लगा लो। बाकी यही रहो सीमा पे, लंबी लाइन लगा लो। मेरे मत घबराओ नहीं। सुनो दोस्तों अब बचने की आस नहीं।
चला जाऊं, कब ये सांस मेरे शरीर को छोड़ दे। जल्दी से कोई कागज लाओ दोस्तों और मेरे हाथ से उस पे कुछ लिखवाओ जो मैं अपने माँ, अपने पिता, अपने दादा, अपनी पत्नी के लिए लिखना चाहता हूँ। क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, क्या लिखा? मेरे मेरे हाथ से कोई कागज, मेरे हाथ से कोई कागज लिखवा के भिजवाइयो, माता मेरी धर्मवती पे जाके खबर पहुंचाइयो। दूध सफल कर रहा जननी का चरणों सी झुकाइयो, छाती पीटेगी मेहदारी तुम जाके धीर बंधियो, छाती पीटेगी मेहदारी तुम जाके धीर बंधियो। मेरे को एक बात लिखो जल्दी रे, रे 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 रे, मेरे को एक बात लिखो जल्दी, मुझ में ज्यादा गुंजाइश नहीं। हंस के बोलिया सुनो दोस्तों, अब बचने की आस नहीं। शहीद बदन सिंह जी की रागनी पे खुश होकर आदरणीय हमारे मुरारी लाल जी सरपंच, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मामा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अभी आदरणीय भरत लाल कैप्टन जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यूं कहने लगे, अरे जब मेरा पार्थिव शरीर मेरे गाँव में पहुंचेगा तो गाँव वाले खुश हो जाएंगे कि हमारा बेटा तिरंगे में लिपट कर आया है। सभी गांव वालों को क्या कहना है, आइए सुनते हैं। तीसरी लाइनों में लिखा और हमारे सुबेदार जी श्रीचंद जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। श्रीचंद जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या कहते हैं शहीद बदन सिंह जी? मेरे सुबस बसियो गाम मीत रोल, सुबस बसियो गाम मीत रोल, मेरी नमस्ते कह दियो दादा मेरे राम जी लाल से, बार बार ये कह दियो छोटे भाई रोहतास किशन से, प्यार मेरा ये कह दियो छोटे 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 सब बच्चों से, दुलार कह दियो छोटे छोटे सब बच्चों से, मेरा दुलार कह दियो फिर बार बार ये कह दियो घना, रे 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 रे, बार बार ये कह दियो घना, कुछ कहने को मेरे पास नहीं। हंस के बोलिया सुनो दोस्तों, अब बचने की आस नहीं। कवि ने तोड़ किया, इसी गांव के बहुत अच्छे कवि हैं आदरणीय रूपचंद जी,
उन्होंने इस रागनी को सजोया है अपनी कलम से। और अंतिम शब्दों में हमारे शहीद बदन सिंह जी अपने दोस्तों से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। रे मेरी लाश को दो एक साथी, मेरी लाश को दो एक साथी, मेरे गांव में पहुंचाना शमशानों ते जिस औरत ने मेरे साथ फेरे लिए अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उसे वचन दिए थे कि सात जन्मों तक तेरा साथ निभाऊंगा, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है जो मैं उसका साथ पहले ही जन्म में छोड़कर जा रहा हूँ। कहते हैं शमशानों ते पहले मेरी ब्याही का हाथ लगवाना अगड़ पड़ोसी मेरे चाचा ताऊ जिन्होंने मुझे बचपन में लाड़ किया, अपनी गोदी में खिलाया, उनके लिए भी चाचा ताऊ अगड़ पड़ोसी चाचा ताऊ उनकी धीर बंधवाना रूपचंद को मीत रोल में बिठा के तुम समझाना रूपचंद को मीत रोल में बिठा के तुम समझाना रे दीपा चौधरी रह गया पछताना रे 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 दीपा चौधरी रह गया पछताना मिला कहीं तक सांस नहीं हंस के बोलिया सुनो दोस्तों मेरी अब बचने की आस नहीं।